सुबह और शाम के नाश्ते के लिए आलू और प्याज की पकौड़ी बनाएंगे आज। तो हमने एक बाउल में 2 कटोरी बेसन लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज स्लाइसेस में कटी हुई और आलू डालेंगे साथ ही इसमें। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे हरी वाली, थोड़ा सा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका अच्छा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छा सा बैटर इसका बना लिया है। अब हम तेल गरम कर लेंगे और छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम इसमें तोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम बराबर पलटेंगे और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू और प्याज की पकौड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम एक प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।